और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन यानी कि आज भी निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की कवायद जारी रहेगी। आज सुबह 10 बजे आयोजित एफडीआई कॉन्क्लेव में सीएम योगी शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर 3 बजे आयोजित एआई कॉन्क्लेव में भी सीएम योगी शामिल होंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। निवेशक का एफडीआई कॉन्क्लेव में सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। निवेश का महाकुंभ है, एक से बड़े एक उद्योगपति यहां पर पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात, उद्योगपतियों ने कल हमने देखा किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की जमकर तारीफ की है। और लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर सीएम आवास पर उद्योगपतियों और अधिकारियों के लिए डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने उद्योगपतियों के लिए डिनर रखा। इस दौरान कुछ उद्योगपति सीएम योगी से बातचीत करते भी नजर आए। तस्वीरें कल रात की है जब डिनर रखा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर पहुंचे हुए थे, सभी से बातचीत हुई है और सभी ने मुख्यमंत्री के डिनर के लिए उनका आभार जताया और साथ ही साथ तारीफ भी की है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है, उद्योगपतियों के लिए माहौल अच्छा हो रहा है, इसको लेकर जो उद्योगपति हैं काफी उत्तर प्रदेश को लेकर आशान्वित है। और लखनऊ में निवेश के महाकुंभ 4.0 का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। देश विदेश से आए निवेशकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। पहले यहां पर निवेश के बारे में लोग नहीं सोचते थे, आज देश दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वेडिंग इन इंडिया एक मुहिम बन गई है, एक अपील के ने अच्छे परिणाम दिए हैं। सोलर पावर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे 300 यूनिट जो है वो बिजली मुफ्त मिलेगी। भारत रत्न पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। आजकल दुर्भाग्य से देश में फैशन चल पड़ी है, अमेरिका मतलब होता है विदेशों में जाओ, बच्चों की शादी विदेशों में करो। इतना बड़ा देश, क्या आपके बच्चे हिंदुस्तान में शादी नहीं कर सकते? कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? और जब से मैंने शुरू किया है वेड इन इंडिया, मुझे चिट्ठियां आ रही है, साहब हमने पैसा जमा कराया था, विदेश शादी करने वाले थे, लेकिन आपने कहा कैंसिल कर दिया है, अब हिंदुस्तान में शादी करेंगे। देश के लिए भगत सिंह की तरह फांसी पर लटके तभी देश की सेवा होती है, ऐसा नहीं है। देश के लिए काम कर करके भी देश की सेवा हो सकती है। दोस्तों, साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्य से ये बात कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समझ में नहीं आती। आपने देखा होगा कि जब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में संसद में बात हो रही थी तो कैसे कांग्रेस के लोगों ने चौधरी साहब के बारे में बोलना तक मुश्किल कर दिया था। कांग्रेस के लोग भारत रत्न पर एक ही परिवार का हक समझते थे, इसलिए कांग्रेस ने दशकों तक बाबा साहब अंबेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया। ये लोग अपने ही परिवार के लोगों को भारत रत्न देते रहे। हमारा प्रयास है कि देश का हर घर, हर परिवार सोलर पावर जनरेटर बन जाए, इसलिए हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली
मुफ्त मिलेगी और अतिरिक्त बिजली लोग सरकार को बेच भी पाएंगे। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसमें हर परिवार के बैंक खाते में सीधे 30,000 रुपये से लेकर करीब करीब 80,000 रुपये तक जमा कराए जाएंगे। मुझे अपने यूपी के परिवारजनों के सामर्थ्य और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है। आज जो आधारशिला रखी गई है वो यूपी और देश की प्रगति की आधारशिला बनेगी और मैं योगी जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष बधाई देता हूं। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। मैं देश के सभी राज्यों से आग्रह करूंगा, राजनीति अपनी जगह पे छोड़िए, जरा उत्तर प्रदेश से सीखिए और आप कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अपने राज्य की बनाइए, जरा संकल्प करके आइए ना मैदान में। देश तभी आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य बड़े सपने बड़े संकल्प लेकर के चल पड़े। और मेरे उद्योग जगत के साथी भी, अनंत अवसर की वेला है, आइए दम आपने में चाहिए, हम तैयार बैठे हैं। और सीएम योगी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश को 40 लाख करोड़ के निवेश मिल चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश से उद्यम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इस उद्यम के माहौल में अब लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाले हैं। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 61,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज GBC4 में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यह स्पीड आपके विकसित भारत के, इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। आपके सहयोग से क्रियान्वित हो रही ये परियोजनाएं न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज के इस GBC4 में न केवल औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी बल्कि प्रदेश के 34 लाख से अधिक युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की अवसर भी प्रदान करने। प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में, विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे की जांच करने पर उस पर सिफारिशें करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने दिल्ली में एक बैठक की। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। ये तस्वीरें उसी मीटिंग की है, उसी बैठक की है जहां पर गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरह से मीटिंग हो रही है और कोशिश सरकार की यही है कि जल्द ही इसे लागू किया जाए, ये बैठक हुई, कमेटी गठित हुई है जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद ने की है। और आगरा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बदला गया है जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब रख दिया गया है मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन।
शासन से ये जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का आदेश आया है। यूपीएमआरसी के अधिकारियों ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन नाम की अब वहां पर जो होर्डिंग लगी हुई थी उसे लगा दी थी, लेकिन अब बताया जाए कि स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर स्टेशन रख दिया गया है। पहले इसका नाम जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन था। शासन की तरफ से अधिकारी के पास ये शासनादेश आया है, जिसके बाद अब जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है उसका नाम बदल दिया जाएगा। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। आज लखनऊ में बैठक होगी। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्षों और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक करीब 3:30 बजे होगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश के लोकसभा प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयंत पांडा भी मौजूद होंगे। बीजेपी की बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उपस्थित होंगे। और सीएम धामी अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन आज करने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट के साथ सुबह अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पर सीएम धामी और उनके मंत्रियों का स्वागत बीजेपी नेता करेंगे। रामलला के दर्शन के बाद शाम को सीएम धामी मंत्रियों के साथ वापस देहरादून लौट जाएंगे। तो आज पूरा धामी कैबिनेट रामलला के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहा है। सुबह पूरा कैबिनेट पहुंच जाएगा, दर्शन पूजन होंगे, उनका स्वागत किया जाएगा एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं द्वारा, और उसके बाद दर्शन पूजन करने के बाद आज शाम में ही धामी अपने मंत्रियों के साथ वापस देहरादून लौट जाएंगे। और राहुल गांधी से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें। सुल्तानपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी होनी है। मानहानि मामले में आज राहुल गांधी पेश होने वाले हैं। अमेठी से सुबह करीब 10 बजे सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। मानहानि के मामले में वारंट जारी होने के चलते सुल्तानपुर एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होना है राहुल गांधी को। मानहानि के मामले में बीजेपी नेता ने केस दर्ज करवाया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ था राहुल पे। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज अमेठी से रायबरेली पहुंचेगी। दोपहर 2 बजे के बाद न्याय यात्रा के रायबरेली पहुंचने की उम्मीद है। रायबरेली के कांग्रेसियों ने यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इस बार सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव न लड़ने से लोग निराश हैं। स्थानीय कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी को रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग राहुल गांधी से आज कर सकते हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। सपा ने 11 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया गया है, जबकि आंवला सीट से नीरज मौर्य उम्मीदवार बनाए गए हैं। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप उम्मीदवार होंगे। वहीं अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया गया है। हरदोई से उषा वर्मा को टिकट मिला है। रामपाल राजवंशी मिश्रिक से उम्मीदवार बनाए गए हैं। मोहनलालगंज से आरके चौधरी को टिकट है दिया गया है सपा की तरफ से। वहीं प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया है। रमेश गौतम बहराइच से उम्मीदवार होंगे। श्रेया वर्मा को गोंडा से टिकट मिला है, जबकि वीरेंद्र सिंह को चंदौली से उम्मीदवार बनाया गया है। अब तक सपा ने 27 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 16 नामों का ऐलान किया गया था और जब दूसरी लिस्ट आई है तो उसमें 11 नामों का ऐलान कर दिया गया है। और एसपी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एसपी ने कांग्रेस को 17 सीटों की एक लिस्ट भेजी है। 17 लोकसभा चुनावों की लिस्ट कांग्रेस को भेज दी गई है। एसपी को कांग्रेस के जवाब का अब इंतजार है। कई लोकसभा क्षेत्रों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के जवाब के बाद ही गठबंधन का भी ऐलान हो सकता है। तो 17 सीटों की लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को भेज दी गई है, लेकिन किसी तरह से हां ना का जवाब नहीं मिला है कांग्रेस की तरफ से। इंतजार किया जा रहा है और इसी जवाब के बाद कहा जा रहा है कि गठबंधन का ऐलान होगा।
और कानपुर के सरसौल में मिड डे मील खाने के बाद 12 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। आनंद फानंद में बच्चों को सरसौल सीएससी में भर्ती कराया दिया गया। 6 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। 8 बच्चों का हैलेट अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना। सरसौल विकासखंड के मदारी खेड़ा सरकारी स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर कई बच्चों की हालत खराब हो गई। बाद में इन्हें तुरंत स्कूल से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि मिड डे मील खाने के बाद इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। और बिजनौर में आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बच्ची जंगल में लकड़ी लेने गई हुई थी। मंडावर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुत्तों ने इस बच्ची पर हमला कर दिया, बुरी तरह से घायल किया। बच्ची की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि बच्ची जंगल की तरफ लकड़ी देने गई थी, जब कुत्तों ने इस पर हमला किया। मंडावर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।